स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में भारत भर में जहां अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, वहीं सिरसा में उनको समर्पित मैराथन का आयोजन किया गया, जिसका नाम रखा गया रन फॉर यूथ, यूथ फॉर नेशन। इस मैराथन में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के ऊर्जा व जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह ने शिरकत की। जिला प्रशासन के साथ साथ आम लोगों ने भी इस मैराथन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मैराथन दौड़ में 3 तरह की कैटेगरी रखी गई, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। 10 किलोमीटर मैराथन में महिला वर्ग में बाजेका गांव की पारुल और पुरुष वर्ग में गुड़ियाखेड़ा गांव के रमेश प्रथम रहे। इसी तरह से 5 किलोमीटर में चौटाला गांव की लाजवंती और कुत्तावट गांव के संदीप प्रथम रहे। वहीं इसी क्रम में 3 किलोमीटर में चौटाला गांव की ममता और पुरुष वर्ग में पंकज प्रथम रहे। मैराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के साथ उनका हौसला बढ़ाने के लिए चौधरी रंजीत सिंह भी उनके साथ कुछ दूरी तक दौड़े। और चौधरी रंजीत सिंह ने युवाओं को क्या संदेश दिया, देखिए। जोश से, इतने हौसले से हिम्मत करके दौड़ते थे, भागते थे और देश के लिए ये कर रहे हैं। इसमें एक नेशनल इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें नज़र आता है कि हमारा पूरा जो इधर उधर की बातें सुन के देखते हैं कि आज पूरी विचारधारा राष्ट्रीय जोर से जुड़ी हुई है। हमारा यूथ बच्चों का हौसला देख के, हालांकि मैं 70 से क्रॉस कर गया, पर उसके बाद भी आज हमारा भी दौड़ने को मन हो रहा है कि बड़ा अच्छा लग रहा है, कि माहौल बड़ा अच्छा बना है जी। और मैं समझता हूँ ये देश की एकता के लिए बहुत अच्छा एक मौका होता है जिसमें हमें ऐसे करते हैं, ऐसे फंक्शंस करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि कम से कम 3 महीने में एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो देश को एक सूत्र में जोड़ता है। ये बड़ी अच्छी एक रेस है जिसे करनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग भी इसमें कह रहे हैं, तो बच्चे हमेशा माँ बाप से अपने बुजुर्गों से सीखते हैं। जब हम उनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, उनके साथ हम बराबर कदम से कदम मिला के चलेंगे, तो उनका हौसला और ज़्यादा बढ़ता है।